वहीं हमारे संवाददाता विजय मिश्रा ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की। धनतेरस के विशेष मौके पर आज अयोध्या जो है वो एक बार फिर से 5,51,000 दीयों से सजने जा रही है। और जाहिर सी बात है कि जब से योगी सरकार आई है तब से दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में लगातार मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार विशेष ये है कि करीब 500 वर्षों का वनवास खत्म करके भगवान राम अयोध्या पधारे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए धनतेरस में समय खुद डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी हैं। सर, सबसे पहले तो धनतेरस की आपको बधाई। आपको भी और आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस तरह से सर देखते हैं आज तो 500 वर्षों का वनवास जो है भगवान राम का कटा? देखिए, परमपिता परमेश्वर की कृपा से उनकी लीला का एक तरह से एक इस प्रकार से कह लीजिए कि बड़े विवाद के रूप में अंत हुआ है कि उनकी लीला वही जाने। हम लोग तो इतना कह सकते हैं कि एक मानव के नाते, एक राम भक्त के नाते, एक देशभक्त के नाते हम लोगों को तो आज खुशी की कोई सीमा नहीं है। ये खुशी तो 9 नवंबर 2019 को ही आ गई थी जब देश की सर्वोच्च अदालत ने श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला सुनाया था। तो दीपोत्सव का यह कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम है, कोरोना काल में कार्यक्रम है, वर्चुअल यह कार्यक्रम करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये अपने आप में ऐतिहासिक है। मैं इस अवसर पर समस्त राम भक्तों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, प्रदेश के, देश के, दुनिया के। ये तो सर बिल्कुल सही है और डिजिटल माध्यम से आप दिखाएंगे, दूरदर्शन के माध्यम से आप दिखाएंगे। सर, गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी इस पूरे रिकॉर्ड को दर्ज करने के उस पर भी पूरा कार्यक्रम देखा जा रहा है, क्योंकि पिछली बार भी आपने गिनीज बुक रिकॉर्ड में इसे दर्ज कराया था और इस बार भी सर होने जा रहा है। देखिए, ये तो जब इस प्रकार के रिकॉर्ड बनेंगे तो जो रिकॉर्ड बनने पर अवार्ड प्रदान करने का गिनीज बुक या अन्य कोई भी संस्था, तो उन सबका अभिनंदन है। और हम गिनीज बुक अवार्ड के लिए ये कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, भगवान श्री राम के चरणों में अपनी भक्ति को और अपने भाव को प्रकट करने के लिए दीपोत्सव का कार्यक्रम। सर, अब राम का तो अयोध्या में प्रवेश हो गया है, लेकिन मथुरा को सर लेकर के बड़ी चर्चा है, वहाँ भी कृष्ण मंदिर बनने को लेकर के, क्या अब राम के बाद सर मथुरा की तैयारी है? अभी तो भव्य राम मंदिर बनने दीजिए, शिखर का कलश स्थापित होने दीजिए, राम भक्तों को एक बार कार सेवा करने, दर्शन करने का मौका दीजिए, तो भगवान का जो काम है कोई अधूरा नहीं रहता। सर, एक याचिका हाईकोर्ट में डाली गई है, हालांकि 19 तारीख को उसकी सुनवाई भी है, और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो शाही ईदगाह है वहाँ पर भक्तों को पूजा करने की अनुमति दी जाए, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि ये मुख्य कृष्ण मंदिर है जिस पर ये शाही ईदगाह बना हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरी याचिका को? मुझे लगता है जो मामला न्यायालय में हो उस मामले में किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, माननीय न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करें। सर, एक और घटनाक्रम इस समय उत्तर प्रदेश में काफी चर्चा में है, माना जा रहा है एक बार फिर से एक मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है इस बार, और इंतजार है बस इसी MLC चुनाव के बाद शायद ऐसा कुछ। देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, जब वो उनको अपनी टीम में कुछ वृद्धि करनी होगी, कुछ छटनी करनी होगी, तो वह निश्चित तौर से करेंगे। लेकिन मैं यह जरूर कह सकता हूँ कि बिहार में जंगल राज वापस नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश में गुंडा राज वापसी की संभावना समाप्त होने के बाद श्री अखिलेश जी हमारे काफी बौखलाहट में है। मैं उनको दीपावली की शुभकामना देते हुए, अभी कल मैं एक उनका बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये लोक भवन हमने बनवाया है। हाँ। तो मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ, क्या लोक भवन को श्री अखिलेश यादव भवन बना दिया जाए? जो परियोजनाएं राजकोष से बनी हैं वह तो राज्य की जनता की के लिए समर्पित होनी चाहिए, वो समर्पित हैं, लेकिन इनको हर समय लगता है कि जनता ने इन्हें नकार दिया है, जनता ने इन्हें सत्ता से बाहर कर दिया है, और लगभग 25 साल इनको वापस आने की संभावना मुझे व्यक्तिगत तौर से लगता है कि जनता आने नहीं देगी इनको। तो इससे बेचैनी, इस प्रकार के बयान श्री अखिलेश यादव जी से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब वो सत्ता में थे तो जो उनको करना चाहिए था उन्होंने किया, जो पूर्व सरकारों ने किया होगा उनका भी कुछ काम किए होंगे। जब कोई परियोजना शुरू होती है तो मैंने किया, अरे आपने किया, आप मुख्यमंत्री नहीं हो, आपको जनता ने नकार दिया, अगर आपने अच्छा किया होता तो साइकिल को पंचर करके कमल नहीं खिलाया होता। तो मुझे लगता है उनको धैर्य रखना चाहिए, बौखलाहट, खिसियाहट, तिलमिलाहट ये नहीं दिखानी चाहिए। सर, 7 सीटों में 6 सीटों पर आपका कमल खिला है, तो इस बार दीपावली वहाँ की तो ठीक है, सर बिहार में भी इस बार सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, मुझे लगता है कि एक लंबा संघर्ष आपका रहा GDU के साथ, भले ही चाहे जिस तरह का आपका गठबंधन रहा हो, लेकिन एक बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा वहाँ पे उभरी, किस तरह से देखते हैं? मैं इसको मानता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो जनता का अटूट विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा जो किया जा रहा काम है उसी का ये प्रभाव है, उस प्रभाव के कारण से ही बिहार के अंदर भाजपा के पक्ष में इतना बड़ा रिजल्ट आया है। और इसी कारण से मैं यह मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी और इसी के कारण से देश के अन्य राज्यों में भी कमल चारों तरफ खिल रहा है।
केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की अगुवाई में हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, नीचे तक सब पहुंच रहा है। साजिश करने की जो कोशिश थी वो सब फेल हो गई है और इसके कारण घबराहट है। तैयारी सर बंगाल की है? नहीं, बंगाल में तो कमल खिलेगा। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री जी कहते थे जब हमारा कमल पश्चिम बंगाल और केरल में भी खिल जाएगा तब हम भाजपा को मानेंगे कि हमारी पार्टी जो है अब चरम पर पहुंची है। अभी चरम पर नहीं मान रहे हैं, तो मुझे लगता है पश्चिम बंगाल और केरल का नंबर है आगे और जरूर जीतेंगे हम लोग। कहाँ कहाँ दीप जलेंगे सर इस बार? देखिए दीप तो पूरे देश में जलेंगे, दुनिया में जलेंगे, लेकिन सबको सीट निकल गई सर। सबको मैं बधाई देता हूँ, सबको शुभकामना देता हूँ। हमारे विपक्षी मित्र लोग जरूर बहुत चिंता में हैं, उनको लगा था कि हमारी साजिश सफल हो जाएगी और भाजपा को रोक लेंगे, लेकिन अब उनको लगता है कि ये उपचुनाव के साथ ही बिहार में जंगल राज वापस नहीं आया, इस परिणाम को देखने के बाद हताश उदास निराश। लेकिन मेरी शुभकामना दीपावली की, चाहे वो सपा चाहे बसपा और चाहे कांग्रेस कोई हूँ, मैं दीपावली सबको शुभकामना देता हूँ। और विशेष तौर से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जिसका मैं स्वयं कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर के राष्ट्र तक के जो भी हमारे नेतृत्वकर्ता हैं, जो हमारे संगठनकर्ता हैं, जो हमारे बूथ को जीतने का काम करते हैं, उन सबको मेरी मंगल कामना। सर एक बार फिर से आपको दीपावली की भी, क्योंकि दीपावली कल है और आज धनतेरस की, दोनों की बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई, मेरी ओर से हार्दिक बधाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी ने विपक्ष के दलों को भी बधाई दी है। हालांकि इन सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल को भी लेकर के तैयारी हो रही है और साथ ही साथ जिस तरह से बिहार का रिजल्ट आया है और जिस तरह से उपचुनाव उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आया है उसको भी लेकर के उन्होंने बाकायदा प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। हालांकि इन सबके बीच सबसे बड़ी बात यह है कि मथुरा में जिस तरह से याचिका पड़ी है उससे बिल्कुल साफ है कि अब राम मंदिर के बाद अब कृष्ण मंदिर को लेकर के भाजपा की तैयारी तेज हो गई है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।